नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ सपना ढाकर। रुक करेंगे आज की बड़ी खबरों की ओर। अंजलिपुरम अलबतिया शांति वाटिका के नज़दीक एसबीआई बैंक की सीएसपी शाखा के अरुण कुमार ने सीएसपी शाखा के अकाउंट से खाता धारकों के साथ की लाखों रुपए की धोखाधड़ी। शांति वाटिका अलबतिया स्थित सीएसपी शाखा पर भारी संख्या में खाताधारकों ने पहुंच जब देखा तब पता चला कि अरुण कुमार वहां से सीएसपी शाखा को बंद कर फरार हो गया है, जिसकी शिकायत खाताधारकों ने बोदला स्थित एसबीआई बैंक पहुंचकर शाखा प्रबंधक से की। मौके पर पहुंचा पुलिस फोर्स। मौके पर पहुंचे थाना जगदीशपुर इंस्पेक्टर ने खाताधारकों को एसबीआई बैंक की प्रबंधक को एप्लीकेशन देने को कहा। खाताधारकों के मुताबिक अरुण कुमार व उसकी पत्नी ने सीएसपी शाखा के खाताधारकों के साथ की लाखों रुपये की धोखाधड़ी। पीड़ित खाताधारकों के मुताबिक 10 साल से सीएसपी शाखा को चला रहा था अरुण व उसकी पत्नी। एसपी प्रोटोकॉल शिवराम यादव के मामला संज्ञान में आने के बाद एसपी प्रोटोकॉल शिवराम यादव ने मामले की जांच के दिए आदेश। मेरा पैसा बैंक खाते में 5,000 भी है और 5,000 रुपए मेरे जमा हुए हैं। गुस्से में ऐसे बोल रही थी वो मेरी बेटी।